Hello. Today we will learn infinitive and imperative sentence in voice. How to change passive of infinitive and imperative sentence. So first of all we will start infinitive and after that imperative sentence. पिछले सेशन में हमने सीखा था टेंस और मॉडल्स को कैसे पैसिव में बदले और आज सीखेंगे इन्फिनिटिव को. आज वॉइस में जो है वो क्या है इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव की बात आते ही आपके मन में आता होगा 2+V1. जैसे ही इन्फिनिटिव की चर्चा होती होगी आपके मन में आता है 2+V1. अगर यह एक्टिव है तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाता है 2+B+V3. सभी जानते हैं कि पैसिव का मतलब उसमें मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में V3 होना निश्चित है. तो सबसे पहला जो इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होगा अगर अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं फिर एक्जिलियरी वर्ब लेते हैं टू वी वन और ऑब्जेक्ट को लेते हैं और तब जब इसका पैसिव बनाएंगे क्या होगा. जब पैसिव बनाएंगे तो प्रीवियस डे की तरह जैसा कि रूल है सबसे पहले इंटरचेंज होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का प्लेस ऑब्जेक्ट लेगा फिर यह एक्जिलियरी वर्ब रहेगा और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2+V1 है तो ये 2+B+V3 और फिर प्रीपोजिशन बाई और फिर एजेंट एज यूजुअल. तो ये हो जाता है. अब अगर सेंटेंस की चर्चा करें या फिर ये एक्जिलरी वर्ब में क्या क्या हो सकता है अगर इसकी चर्चा करें तो इसमें वर्ब टू भी होगा जिसमें आता है इज एम आर फिर क्या आता है वाज और वर आता है. फिर अगर वर्ब टू डू की बात करें तो हैज हैड की बात आती है हैज हैड की बात आती है. तो इस तरह से कहा जाए तो ये जनरली तो क्या है वर्ब टू बी का ही यूज होता है. होता सब है लेकिन हम जनरली इस वर्ब टू बी का यूज करते हैं. अब यहाँ क्या करेंगे जैसे सेंटेंस लेते हैं सी इज टू वॉच अ मूवी. सी इज टू वॉच अ मूवी अब ये चेंज होगा तो क्या होगा अ मूवी is to be watched by her. A movie is to be watched by her. अब या फिर कह सकते हैं किसी का नाम लाते हैं रोहित was to write a letter. रोहित was to write a लेटर. अब इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर. क्या हो जाएगा जी अ लेटर और फिर वहाँ वाज है यहाँ भी सिंगुलर है वाज आ जाएगा अ लेटर वाज टू बी रिटन बाय रोहित. इसी का जब अब निगेटिव की बात करें इंटरोगेटिव की बात करें अगर निगेटिव की बात करते तो क्या बनाते हैं Boys are not to eat mangoes और फिर इधर जब करेंगे इसका पैसिव तो क्या आएगा मैंगोज आ जाएगा ऑब्जेक्ट से मैंगोज आर not to be eaten by boys.
इस तरह से क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को इंजॉय करेंगे विद इट इज अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड और सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसे जो इन्फिनेटिव है इसके दो बेस स्ट्रक्चर होते हैं, इस पे बेस स्ट्रक्चर दो हैं, इस पर बेस दो स्ट्रक्चर होते हैं। इस पर हम दो स्ट्रक्चर करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला वो तो बेस स्ट्रक्चर था, इस पर बेस स्ट्रक्चर होगा ये देयर प्लस इज आर इज ओवर व्हाट एवर वी कैन से एक्जिलियरी वर्ब, देयर प्लस एक्जिलियरी वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको जब पैसिव बनाते हैं तो यहां से यहां तक कॉपी कर लेते हैं, क्या कॉपी हो गया देयर प्लस एक्जिलियरी वर्ब प्लस नाउन, और इसके बाद ये टू प्लस गिवन है तो टू बी प्लस बी थ्री, तो क्या आ जाएगा टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सच है जैसे अगर हम कहते हैं देयर इज ए पेन टू राइट अ लेटर, इसको कर लेंगे देयर इज अ पेन टू बी राइट का वी थ्री रिटेन टू बी रिटेन अ लेटर। नॉर्मली बस दो पार्ट में हमने इसको बांटा, पहला हिस्सा तो ये देखें इधर का इधर आ गया, पहला हिस्सा ये ऐसे ही रह गया और दूसरा ये टू बी और वी थ्री, यहाँ क्या टू बी वन और टू बी वी थ्री, बस यही होता है। यहाँ भी हमने वही क्या दे रही है पेन, अब क्या ये टू से है राइट अ लेटर, फिर यहां आया देयर इज अ पेन टू बी रिटन अ लेटर, वेरी इजी। इसी का जब सेकंड करते हैं सेकंड जो है तो उसमें देयर के जगह ईट का यूज करते, देयर के प्लेस पे ईट हो जाता है, फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी लिटिल थोड़ी सी चेंज है, और इट है तो वैसे ही आ गया फिर क्लियरी और फिर नाउन, जैसा कि पहले वाले में देखे कि यहां से यहां तक वैसे था यही था, लेकिन इसमें थोड़ी चेंज होगी और नाउन के बाद फॉर और फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ये लास्ट में वह पहले आ गया, और तब यह जो ये है यहाँ टू प्लस बी थ्री का यूज कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया इट इज, अगर हम लेते हैं इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, अब पैसे जब करेंगे क्या हो गया इट इज टाइम तो ऐसे ही रह जाएगा, इट इज टाइम क्या अब यहां आ गया फॉर और ऑब्जेक्ट है टी, इट इज टाइम फॉर टी और ये टू और उसके बाद आता है बी और टेक का वी थ्री, ठीक है। अगर इसका हम निगेटिव करना चाहे ये दो भाग में बटा, दो भाग में ये दो भाग में बटा, ये भी थोड़ी सी चेंज जो यहां है ना यही 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 ऑब्जेक्ट का जो चेंज है यही आता है, यहां फोकस करना होगा, यहां इसमें फोकस करना है, ये जो पार्ट है यही थोड़ा सा अंतर का। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, इसका निगेटिव करना हो इट इज नॉट टाइम टू टेक टी, इट इज नॉट टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इज इट टाइम टू टेक टी, इज इट टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इस तरह से पूरा का पूरा हम इसका बना सकते हैं।
तो अभी हमने देखा ये क्या था, इन्फिनिटिव था, क्या था, इन्फिनिटिव था। इन्फिनिटिव के बाद हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर भी होगा, रिक्वेस्ट भी होगा, प्रोहिबिटेशन भी होगा और एडवाइस भी होगा। ये सभी जिसमें आते हैं वो इम्परेटिव होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका अगर हम करें, स्ट्रक्चर वन, तो स्ट्रक्चर वन में अगर क्या है, सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जब हम पैसिव करते हैं तो पहले लेट लाते हैं, क्या लाते हैं, लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद बी, और ये जो भी वन है उसका भी थ्री करते, जैसे ओपन द डोर, क्या हो जाएगा, लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। अब इसी का जब सेकेंड स्ट्रक्चर करते हैं, अगर यहां भी वन के बाद ये अदर वर्ड हो, क्या हो, अदर वर्ड हो, ये ऑब्जेक्ट क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, और यह जो अदर वर्ड है यह नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर होगा। अदर वर्ड में क्या होगा, अदर वर्ड जो है, ये अदर वर्ड जिसको कहते हैं ओ डब्ल्यू, क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड, इसमें नाउन या फिर प्रोनाउन जो है ये नहीं होगा, अदर वर्ड में नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। अब जैसे इसका क्या करेंगे, तब ऐसा जब होगा तो यहाँ आप खुद से लगाते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब आप देख रहे हो कि ये भी थ्री ऑलरेडी हो गया, भी थ्री हो गया, पहले भी बताया कि पैसिव होगा तो उसमें भी थ्री आएगा ही आएगा, तो यू आर ऑर्डर्ड फिर क्या जाएगा, और टू प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड, टू प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड, तो क्या हो गया, गो देयर, गो देयर। अब इसको कर लेंगे You are ordered to go there. तो इस तरह से देखें कि अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर से शुरू करेंगे। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर थ्री की बात करते हैं, स्ट्रक्चर थ्री की बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, तो स्ट्रक्चर थ्री में हम निगेटिव ले लेते हैं, प्रोहिबिटेशन, मना करना, मना करना ले लेते हैं, ये इसके लिए क्या आएगा, स्ट्रक्चर थ्री, स्ट्रक्चर थ्री इसमें क्या आएगा, डोंट आएगा और फिर भी वन और ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब भी वन और ऑब्जेक्ट आएगा तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री, जस्ट डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, क्या हो गया, लेट द डोर नॉट बी ओपन, नॉट बी ओपन। लेकिन यही अगर ये डोंट ही रहे और यहां जाता है गिवन प्लस अदर वर्ड, तो यहां आ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, You are ordered not to plus given or, क्या है यहां, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो यहां हो जाए, फिर इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं,
यू आर प्रोहिबिटेड टू और फिर ह्यूमन प्लस अदर वर्ड हो जाता। कभी कभी हम इसको ये भी करते हैं, यू आर फॉरबिड टू ह्यूमन और अदर वर्ड, तो किसी का भी यूज कर लेते हैं। क्या होगा तो डोंट गो गो देयर का ही यूज अगर हम करते हैं, डोंट गो देयर, तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। अब ये तो प्रोहिबिटेशन थी। अब बात अगर आती है कि किसी सेंटेंस में क्या हो, रिक्वेस्ट हो, सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या लगा होता है, प्लीज या काइंडली लगा होगा, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, दोनों में कोई भी अब हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर V1 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे। यहां ध्यान देंगे, चाहे हेड क्या हो, ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, कोई भी हो, यहाँ कोई अंतर नहीं आता। पहले वाले ही सेंटेंस को फिर से एक बार लाते हैं, बस यही दोनों में यू आर रिक्वेस्टेड को कोई लाना। पहले अब जैसे था ओपन द डोर, तो अगर हम यहां लगाते हैं कि प्लीज ओपन द डोर या फिर, तो इसका क्या बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब यही अगर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को करके हो, जैसे अगर फिर भी अगर सेकेंड सेंटेंस लिखते प्लीज गो देयर, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। मैं दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस सेम है, इसका जब रिक्वेस्ट के साथ साथ स्ट्रक्चर सिक्स करते हैं, रिक्वेस्ट के साथ साथ प्रोहिबिटेशन हो, रिक्वेस्ट भी हो और प्रोहिबिटेशन भी हो, प्रोहिबिटेशन भी हो। अब क्या करेंगे, प्लीज काइंडली तो रहेगा ही, और इधर आ जाएगा डोंट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसमें भी कुछ नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड रहेगा। अब यहाँ डोंट के लिए नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अगर यहाँ नेवर हो तो नॉट की जगह नेवर कर लेंगे, जैसे प्लीज डोंट ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर, या प्लीज डोंट गो देयर, सेंटेंस सेम ही है, थोड़ी सी अंतर आएगी, डोंट गो देयर क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। अब देख लेते हैं इसको, अगर रिक्वेस्ट और प्रोहिबिटेशन दोनों है तो प्लीज काइंडली के साथ डोंट आएगा, अब प्लीज काइंडली जो है वो क्या बताया, रिक्वेस्ट बताया, और ये प्रोहिबिटेशन के लिए हमने क्या लाया, डोंट लाया। हम यहाँ नेवर का भी यूज कर सकते थे, करते हैं, बट नेवर फॉर नॉट नाउ फॉर एवर के लिए, कभी नहीं, अभी नहीं बल्कि कभी नहीं के लिए होता। तो यहाँ हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड लगाया प्लीज के लिए और नॉट लगा दिया प्रोहिबिटेशन के लिए, तो चाहे वह ऑब्जेक्ट हो या फिर अदर वर्ड हो, सेम टाइप से चेंज होगा। इसी तरीके से अगर उसमें सजेशन हो तो यू आर सजेस्टेड,
यू आर एडवाइज टू का यूज करके बना लिया जाता है। यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज टू जैसे सेंटेंस करते हैं, जैसे अगर रखा हो टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट, यू आर एडवाइज टू टेक अ रेस्ट, यू आर एडवाइज टू टेक अ रेस्ट, इस तरह से बना सकते हैं बहुत सारे चीजें। यू आर सजेस्टेड। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिसलेनियस जानेंगे, बहुत सारे ऐसे इन्फिनेटिव हैं, उनका कुछ अलग चेंज होगा। बहुत सारे ऐसे चर्चा हुई थी कि कौन सा जब प्रीपोजिशनल फ्रेज आए या फ्रेजल वर्ब आएगा तो उसमें क्या चेंज होगा, उसमें कैसा फिर प्रीपोजिशन लगेगा, या फिर कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ टू लेते हैं, इनटू लेते हैं, विथ लेते हैं, और फिर अगर डबल ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो क्या करेंगे, सेंटेंस में डबल सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, इन सब की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करी जाएगी।